नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की, जिनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। जी हां, तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है। किस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, किस मामले को लेकर उन पर ये मामला दर्ज कराया गया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें शुरुआत में ही कि तेज प्रताप यादव पर ये जो केस दर्ज किया गया है उनके खिलाफ, ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला अगर हम समझें तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर के रोसड़ा में एफआईआर दर्ज हुई है। तेज प्रताप यादव पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप है। बिहार विधानसभा चुनाव में दायर अपने शपथ पत्र में संपत्ति का गलत जानकारी देने का आरोप जो है, जेडीयू ने शिकायत दर्ज कराई थी इसी आरोप को लेकर। अब हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के अंतर्गत दर्ज कराई गई है। हसनपुर के निर्वाची पदाधिकारी ने अपने आवेदन में कहा है कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस नामांकन पत्र में उनके द्वारा दी गई अचल संपत्ति के संबंध में सूचना छुपाई गई थी और उसी के आलोक में अब तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो है समस्तीपुर में मामला दर्ज कराया गया है। बिहार निर्वाचन आयोग ने यह शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली को भी भेजी थी। निर्वाचन आयोग ने इसकी जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को चिट्ठी लिखा था और सीबीडीटी ने इस मामले की जांच कर अपने तीन पात्रों के माध्यम से बिहार विधानसभा निर्वाचन 2015 और 2020 के लिए तेज प्रताप यादव की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र के बीच चल और अचल संपत्तियों में 82,40,867 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-20 में आयकर को दिए हिसाब में तेज प्रताप यादव के कुल आय 22,76,220 रुपए बनती है। तो ऐसे में मामला 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है और निर्वाची पदाधिकारी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करा दिया है। समस्तीपुर के थाने में मामला दर्ज कराया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने अपने संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया था, या फिर यूं कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे को छुपाया था। अब उसी के तहत ये मामला जो है दर्ज कराया गया है। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या होता है इस मामले में, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन केस दर्ज किया गया है तेज प्रताप यादव के खिलाफ, जाहिर सी बात है इस मामले का असर जो है तेज प्रताप यादव के विधायकी पर भी पड़ेगा। आपको पता है कि राजद से विधायक भी है तेज प्रताप यादव, और इस विधायकी पर कितना असर पड़ता है ये मामला खुलने के बाद पता चलेगा। हालांकि मामला दर्ज हुआ है, अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात है। ऐसा भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव सरीखे पूरे राजद की ही मुश्किलें बढ़ जाए इस मामले को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगी। वैसे में अब समस्तीपुर के एक थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला जुड़ा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से और कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव के दौरान अपने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया था और उसी के आलोक में निर्वाचन पदाधिकारी ने अब जो है इनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।